हेलो फ्रेंड्स, तो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान में हम लोग गॉस थ्योरम एंड इलेक्ट्रिक फ्लैश यानी कि गॉस की प्रमेय और वैद्युत फ्लैश के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कि 12th क्लास का सिलेबस है। और आज हम लोग इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि गॉस की थ्योरम, इसको डिस्कस करने वाले हैं। गॉस की थ्योरम क्या है और ये इसकी प्रूविंग कैसे होती है। जनरली आपको एग्जाम में गॉस की थ्योरम लिखने को आती है कि गॉस की प्रमेय लिखिए, तो वहाँ पर आपको गॉस की प्रमेय लिखनी ही है और उसको प्रूव भी करना है। दोनों चीज़ें ये आपको एग्जाम में सिर्फ थ्योरम लिखने के लिए आएगी, लेकिन आपको दोनों चीजें करनी है, प्रूव भी करना है। तो गॉस की थ्योरम क्या है, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लैश जो होता है, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, कुछ चीजें मैं रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लैश फाई ई की वैल्यू जो आई थी वो आई थी ई ए कॉस थीटा, ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। जहां पे ए क्या है, एरिया वेक्टर है, तो हम लोगों ने एरिया वेक्टर निकाला था। एरिया वेक्टर जो था वो क्या था, किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम लोग डी ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा मैंने एक और चीज बताई थी, घनकोण की बात करें तो घनकोण का फॉर्मूला जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, इन सब का यूज होगा यहाँ पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी अभी गॉस की थ्योरम स्टार्ट नहीं हुई है। तो यहाँ पे होता था डी ए अपॉन आर स्क्वायर, है ना। घनकोण क्या होता था, मैंने आपको डिटेल में बताया था कि जब हमारे पास तीन डायमेंशन है, जैसे कोई गेंद है, अगर सर्किल होता था, है ना, यहाँ से दो हिस्सों को काट दें और केंद्र यहाँ से इस तरह से मिला दें, तो ये जो एंगल बनता था इसको बोलते थे, ये एंगल बनता था, नॉर्मल एंगल बनता था, यानी कि तो इसको इसकी जो वैल्यू होती थी, यहाँ पे हम लोग कह सकते थे थीटा इक्वल टू, ये अगर ये एक्स है तो एक्स अपॉन आर लिखते थे, है ना। और घनकोण में क्या होता है कि ये थ्री डायमेंशनल होता है। थ्री डायमेंशनल मतलब जैसे कि आपका कौन देखा है आइसक्रीम खाने का कौन, वैसा कौन बनता है, इस तरीके का बनता है। यानी कि यहाँ पे थ्री डायमेंशन होती है, गोल होते हैं और गोल में से कोई गेंद काट दी जाए, गोल में से कोई गोल काट दिया जाए तो उससे इस तरह का कोण बनेगा, बहुत सारे इस तरीके का। तो ये जो एंगल होता है ये होता है घनकोण। तो इसके इसमें क्या होता है, इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा इक्वल टू होता है ए अपॉन आर स्क्वायर। इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने आपको इसको रिवाइज कर दिया। अब हम लोग गॉस की थ्योरम पे आते हैं। तो गॉस की थ्योरम क्या है, यही जो हमारे पास फ्लैश का हमारे पास एक फॉर्मूला है। गॉस ने क्या कहा, गॉस ने एक बात बोली कि किसी बंद पृष्ठ पे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश का एक बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी कि इन्होंने क्या कहा, अभी ये डेफिनेशन थी, आपको समझ में नहीं आया होगा, अब इसको हम लोग आराम से समझते हैं एक एक करके कि कहना क्या चाह रहे हैं। गॉस ने क्या कहा कि भाई कोई आवेश है क्यू, है ना, क्यू आवेश है, अभी प्लस का हो सकता है माइनस का हो सकता है, अगर हम इसको किसी के अंदर है, किसी पृष्ठ के अंदर है या किसी भी चीज के अंदर है, मान लीजिए एक बॉक्स के अंदर है, कहीं भी है, तो इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स, पूरा का पूरा फ्लक्स फाई ई हमें पता है ई ए कॉस थीटा होता है, लेकिन वो तो किसी एक क्षेत्रफल के लिए होता है ना। अगर हम कहें कि पूरा का पूरा फ्लक्स अगर उसको अंदर रखे है, बाहर है, यहां है, उसके लिए नहीं है ये फॉर्मूला, ये सिर्फ इस तब है जब उस पृष्ठ के अंदर है, और ये पृष्ठ हम काल्पनिक मान रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि कोई पृष्ठ हम मानना चाहते हैं कि इस एरिया पे, ये कैसा भी हो सकता है, इसका डिजाइन कैसा भी जरूरी नहीं, बोलो। तो इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, इस आवेश का एक बटे एप्सिलॉन नॉट, एक बटे वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होगा, यानी कि इस आवेश का, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसको लिखें वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। तो गॉस ने क्या बोला, गॉस ने बस इतना सा बोला कि भाई कोई आवेश है वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो पृष्ठ के अंदर है, उस पूरे पृष्ठ के अंदर है, और इस अगर हम बात करें इस पूरे पृष्ठ से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। एप्सिलॉन नॉट एक कॉन्स्टेंट है, हमें पता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है, पहले चैप्टर में भी हम लोग डिस्कस किए, क्यू यहाँ पे हम दिया होगा तो हम फ्लक्स आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पता है फाई ई की वैल्यू तो इतनी होती है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो फाई ई की जो वैल्यू होगी वो होगी ई ए, अब चूंकि यहाँ पे हमें चाहे हम ई डॉट ए लिख दें या ई ए कॉस थीटा लिख दें, तो हम यहाँ पे ई डॉट ए लिख दें अगर बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा गॉस का थ्योरम है। गॉस ने क्या कहा, गॉस ने बस इतनी सी बात बोली है, और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, और हम आगे इस पूरा चैप्टर मतलब इसी फॉर्मूले पे वेस्ट है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई पृष्ठ, कोई आवेश है, वो किसी पृष्ठ के अंदर है, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ, ये चारों तरफ से बंद है, ऐसा नहीं है कि कहीं से ओपन हो, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला टोटल वैद्युत फ्लक्स, है ना, टोटल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के से ढके हुए या परिबद्ध आवेश का
एक बटे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी कि क्यू एक बटे एप्सिलॉन नॉट गुना इसके, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस की प्रमेय है, गॉस के का फॉर्मूला या गॉस की जो हमारी प्रमेय या थ्योरम है, जो भी कहना है वो है। अब इसको प्रूफ करते हैं ना, ये तो गॉस की थ्योरम हो गई, आपको ये लिख देना है जो मैंने लाइन बोली वो लिखनी है, और आपको अगर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी एक एंड्रॉयड ऐप की, उस पर आपको ये सारे फिजिक्स फर्स्ट, फिजिक्स सेकेंड, मैथ में केमिस्ट्री और बाकी सारे सब्जेक्ट के आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, अदरवाइज आप चाहें तो साथ में नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे गॉस का थ्योरम खत्म हो जाती है। अब हम लोग गॉस की थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है पहले से ये वाला, इसकी हेल्प से हमें ये प्रूफ करना है क्या ये आता है, अगर ये आ जाता है मतलब गॉस ने सही कहा था। अभी तो गॉस ने ये बोल दिया, अब हम गॉस की बात कैसे मान लें? तो गॉस की बात मानने से पहले हमें पहले चेक करना होगा गॉस ने जो बोला वो सही है कि नहीं है। तो हम लोग सही करते हैं, हमें पता है ये फॉर्मूला हमने बनाया था, ये फॉर्मूला हमें पता है ये होता है। अब इस फॉर्मूले में अगर हम लोग कोई चीज़ इसको ऐसे लिखें कि इससे ये फॉर्मूला बन जाए, तो हम कहेंगे गॉस की थ्योरम सही है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम इसको हटा देता हूं, और हमारे पास गॉस का जो थ्योरम है उसको मैं यहां साइड में लिख देता हूं, फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब एक डायग्राम बना लेते हैं ज़्यादा अच्छे समझने के लिए। अब मैंने जैसे बताया था कि ये कैसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं ये गोल हो या कैसा भी हो, आवेश कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं बीच में हो, मान लेते हैं। मैं इसलिए ऐसा बना रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे एक आवेश है क्यू, है ना, यहाँ पे एक आवेश है क्यू, या फिर कह देते हैं प्लस क्यू। तो वैद्युत बल रेखा हमेशा बाहर की ओर जाएंगी, और एक कोई छोटा सा एरिया निकाल लेते हैं ये वाला, है ना, हम यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले से यूज करेंगे, और जब हम छोटा एरिया ले लेंगे डी ए, फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे के लिए आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से इसकी दूरी है आर, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई इस तरफ को होगी। अब एरिया कैसा होगा, तो उसका मान लीजिए डी ए इस तरफ को है, एरिया थोड़ा सा ऐसा होगा, तो इसका डी ए ये रहा, है ना, और ये रहा, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। अब ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों अलग अलग हों, एक ही डायरेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं थीटा, अगर ऐसा है कि एक ही डायरेक्शन में है तो ये थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये हमारा डायग्राम अभी हमें समझ में आ गया। अब अगर हम लोग इसके लिए टोटल फ्लक्स निकालें तो फाई ई की वैल्यू हो जाएगी, अभी हमें गॉस की थ्योरम ये रही, लेकिन गॉस की थ्योरम को मानना ही नहीं है, गॉस की थ्योरम को हम इससे निकालेंगे, हमें ये पता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए होता है ना, ई डॉट डी ए होता है, ये हम इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ई डॉट डी ए होता है। अगर हम वेक्टर को हटा दें तो ई ए कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, है ना। तो हमें अभी इंटीग्रेशन की भी जरूरत नहीं, चाहे तो हम इंटीग्रेशन लगा दें, या फिर हम जब इसको पूरे के लिए निकालेंगे तो डी हमारे साथ है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि अभी हम सिर्फ इसके लिए निकालना है, जब हम पूरे के लिए निकालेंगे तो हम या तो इंटीग्रेशन कर देंगे या फिर पूरे का एरिया रख देंगे, डी ए की जगह पूरा एरिया ही रख देंगे, है ना, वो हमारे हाथ में है। तो अभी हमारे पास फाई की वैल्यू अगर ई डी ए ये होता है, तो हमने जो डॉट को हटाया तो डी ए कॉस थीटा हो गई, ये हमारे पास यहाँ से ये। इसके बाद हमें पता है कि E की वैल्यू हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, E बराबर होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, यानी कि हमें इस पॉइंट पे इंटेंसिटी निकालनी क्या होगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है, ये हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो E की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो फाई E की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर रखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हो गई E की वैल्यू, इंटू डी ए कॉस थीटा, है ना, इतना हमने रख दिया। अब हमने क्या किया, डी ए कॉस थीटा और आर स्क्वायर को साथ में ले गए, तो ये बचा फाई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और क्यू को मैंने यहाँ लिख दिया, क्यू को इधर लिया बाहर, और डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर को एक साथ लिख दिया। अभी हम लोगों ने एंगल पढ़ा था डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन 4 पाई, सॉरी डी ओमेगा यानी कि ओमेगा है ये जो घनकोण है, इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर, तो देखिए डी ए अपॉन आर स्क्वायर, तो ये इसका एंगल बन जाएगा, घनकोण जिसको हम कहेंगे, है ना, सॉलिड एंगल, और ये कॉस थीटा इसके साथ ही है, तो डी ए के साथ था कॉस थीटा, तो यहाँ पे चाहे डी ए हो या डी ए कॉस थीटा हो, यानी कि ये डी ए कॉस थीटा इसके परपेंडिकुलर की जो इस डी ए कॉस थीटा इधर होगा, डी ए कॉस थीटा इसको बोलेंगे हम लोग, और डी ए साइन थीटा इस तरफ होगा, डी ए साइन थीटा, है ना, ये इस तरफ होगा। तो जो हमारा घनकोण बनता है इसी एरिया की वजह से तो बनता है, जो परपेंडिकुलर एरिया होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें डी ए अपॉन आर स्क्वायर, इतना पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी ओमेगा, क्या हो जाएगी पूरी वैल्यू, डी ओमेगा,
है ना। और तो यहाँ पे हम लोग फाई ई इक्वल टू कह देंगे क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। अब जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ इंटीग्रेशन होता है, तो मैंने इंटीग्रेशन हटा दिया था, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, और यहाँ पे मैंने बताया था या तो हम इस तरीके का निशान लगा सकते हैं, इसका मतलब होता है पूरे का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो चूंकि मुझे बार बार लिखना था इसलिए मैंने इंटीग्रेशन हटाया था कि यहाँ पे हम लगाने की जरूरत नहीं है। हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, हम इसको डी फाई मान के चल रहे हैं, डी इस तरफ लगा देना तो हमें यहाँ इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में जब हमें फाई निकालना होगा तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इस तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे डी फाई तो ये हट जाएगा, और इस तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए ये तो कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा, है ना। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ डी फाई का तो हो जाएगा फाई, है ना। मैंने यहाँ पे ये डी बार बार नहीं लिखना था इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया, आपको एग्जाम में सारी चीज़ें ऐसे ही लिखनी है। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करेंगे, डी हटाना तो इंटीग्रेशन कर रहा तो इसका तो हट गया, यहाँ पे आएगा डी इक्व टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू डी ओमेगा का इंटीग्रेशन होगा, यानी कि पूरा एंगल निकालना है। तो जब सर्किल की बात आती है, अगर सर्किल की बात आती है तो उसका पूरा एंगल कितना होता है, टू पाई, कितना होता है टू पाई, यहाँ से लेके चारों तरफ घूमेंगे तो टू पाई, लेकिन ये कौन सा है सॉलिड एंगल, इसमें थ्री डायमेंशनल होता है, तो यहाँ पे जो टोटल एंगल होगा वो कितना होगा फोर पाई, ये कितना होता है फोर पाई, ये फिक्स होता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी फोर पाई, है ना। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फोर पाई, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि पूरा एंगल निकालेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब पूरा का पूरा एंगल, ये एंगल है तो पूरा एंगल निकालेंगे तो हो जाएगा फोर पाई, फोर पाई से फोर पाई कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फाई की वैल्यू, या फिर मैं इसको इस और अच्छे से लिख दूँ, एरो बनाओ, फाई ई इक्व टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये हमारा प्रूव हो गया जो गॉस ने बोला था कि भाई ये होता है, हमें पता है ये होता है, ये तो हमें पता है, गॉस ने बोला ये होता है तो हमने भाई देख लिया क्या ये होता है, हाँ हमने ई की वैल्यू रखी और आज जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी उनको काटते गए और हमें फाइनली पता चला कि हाँ ये होता है। इस तरह से गॉस की प्रमेय जो है प्रूफ हो जाती है। तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है कि गॉस की प्रमेय लिखो, तो आपको करना क्या है, आपको एक डायग्राम ऐसे बनाना है और आपको पहले तो गॉस की थ्योरम लिख देनी है कि भैया गॉस कहते हैं कि ये होता है फाई इक्व टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब उसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम पुराना फॉर्मूला जो हमें पता है डी फाई इक्व टू ई ए ई डॉट डी ए, इसको चाहे तो आप इस तरीके से लिख दें या फिर ऐसे ही लिखा रहने दें। अब फाई ई इक्व टू ई की वैल्यू रख देंगे, ई की वैल्यू होती है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ रख दी और यहाँ पे आर स्क्वायर को इसके साथ ले गए, बाकी चीज़ों को बाहर ले आए तो इसकी वैल्यू होती है डी ओमेगा, और फिर दोनों तरफ डी डी था, इंटीग्रेशन कर दिया, पूरा एरिया निकलाया, मतलब ये छोटे से हिस्से के लिए फ्लक्स निकल रहा था, पूरे एरिया के निकलना था, इंटीग्रेशन कर दिया, फोर पाई आ गया, फोर पाई से फोर पाई कट गया और हमारा आंसर आ जाता है। अच्छा, ये तो हुआ हमारा गॉस की थ्योरम की प्रूविंग। एक और इम्पोर्टेंट काम यहाँ पे है जो है कि हमें, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया हो, गॉस की थ्योरम ये कंप्लीट हो गई है। गॉस की थ्योरम आपको आता है तो आपको ऐसी क्वेश्चन करना है, लेकिन जनरली गॉस की थ्योरम के जो एप्लीकेशन से अनुप्रयोग हैं वो आते हैं, तो उनको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझनी है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट जो फिजिक्स फर्स्ट का पार्ट था कि हर एक चीज़ की डायमेंशन या फिर यूनिट हमें पता होनी चाहिए, तो वैद्युत फ्लक्स में क्या है फाई इक्व टू होता है ई ए, तो यहाँ पे इंटेंसिटी की जो हमारे पास था वो होता था कूलाम, सॉरी न्यूटन पर कूलाम, और एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये आपका क्या हो जाएगा इसका यूनिट हो जाएगी। अब इसकी डायमेंशन निकालनी है, तो डायमेंशन निकालनी है तो ई की डायमेंशन क्या थी, ई की डायमेंशन थी आपकी एम एल टी माइनस टू, मतलब यहाँ पे हम बात करें इसको हम लिख दें फोर्स अपॉन क्यू, ई की वैल्यू एफ, यानी कि हमारा एफ इक्व टू होता था क्यू ई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया फोर्स अपॉन क्यू इंटू ए, है ना। तो फाई ई इक्व टू हो गया एफ की हो गई एम एल टी माइनस टू, इसकी हो गई ए टी और ए की इसकी हो गई एल टू, ठीक है। अब इसका हमारा जो फाइनल जो हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगा, देखिए एम तो एक ही है तो ये आएगा एम, एल कितना है एक और दो तीन एल थ्री, टी कितना है ये ऊपर जाएगा तो माइनस का थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, तो ये आपको बनाना आते ही होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि गॉस की थ्योरम क्या है, उसको प्रूफ कैसे करना है,
जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी ये, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 3D की बात करें, यहाँ पे बोर्ड पे 3D बनाया नहीं जा सकता। तो और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये विमाएँ देखी, तो आपको समझ में आएगा, ये डायमेंशनल फार्मूला देखा और इसका यूनिट देखी। तो अगर आपको क्वेश्चन करना है तो उसके बाद यूनिट लिखना बहुत जरूरी होता है फिजिक्स में। तो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है इसको लाइक कर दीजिए। जैसा कि आप लोग, मैंने बीच में वीडियो रोक बंद कर दिए थे बनाना, तो आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसको जल्दी से जल्दी पूरे के पूरे फिजिक्स सेकंड को कंप्लीट किया जाए। तो मैं कोशिश करूँगा आपके एग्जाम से पहले पूरी फिजिक्स कंप्लीट कर दी जाए, लेकिन उसके लिए आपका तरफ से भी रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और दूसरे लोगों को भी बताइए, तो वो भी इन वीडियोज़ को देख सकें। जितने ज़्यादा व्यू आते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, तो हम लोग उतने ही ज़्यादा इस पर वीडियोज़ बनाते हैं। तो अगर आपको चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस के थ्योरम के कुछ एप्लीकेशन हैं जो कि एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। गॉस के थ्योरम उतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती जितने इसके अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।